की वीडियो हम सीखेंगे दोस्तों वाइट शेडाउन वाले शायरी वाली वीडियो बनानी। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप की वीडियो बनाना सीखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। इसको बनाने के लिए दो एप्लीकेशन की जरूरी होगी, पहला है पिक्सल ऐप, दूसरा है काइन मास्टर। ये सभी के पास होता है, नहीं तो डाउनलोड कर लेना पहले से, तो अच्छी बात है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लें दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिल जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक आपको देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। हम अपनी शायरी का यूनिक कोड निकाल लेते हैं, हम उस ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले श्रीदेव वाले ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। उस ऐप का इस तरह इंटरफेस आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और अपनी जो भी शायरी लिखनी है उसको यहाँ पर पेस्ट करना, ठीक है। तो लिख लेना, ठीक है। और फिर आपको यूनिक कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको क्लिक कर देना तो अपना यूनिक कोड निकल जाएगा, ठीक है। फिर यूनिक कोड निकलने के बाद इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, कॉपी वाले पर अपना कॉपी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, अपना पिक्सल ऐप ऐप को ओपन कर लेना। चलिए हम पिक्सल ऐप ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने पिक्सल ऐप को दोस्तों ओपन कर लिया है, और अब हमें दोस्तों क्या करना, सिंपल से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या करना, टेक्स्ट लिखना, इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक कर लेना और अपने जो भी यूनिक कोड निकाला उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। यूनिक कोड को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना दोस्तों। चलिए हम कर देते हैं यूनिक कोड को यहाँ पर पेस्ट। फिर आपको क्या करना दोस्तों, सिंपल सी आपको एक हिंदी फॉन्ट होता है जो शायरी लिखने के लिए होता है स्पेशल, जो इंस्टाग्राम शायरियों के लिए होता है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस हिंदी फॉन्ट की। तो वहाँ से उस फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम अब लिख लेते हैं दोस्तों, इस फॉन्ट को हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये वो फॉन्ट है दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका कलर आपको ब्लैक कर देना, ठीक है। हम वाइट शैडो वाली शायरी बनाने, ठीक है। इसका कलर आपको ब्लैक कर देना, ठीक है। और एक दो टेक्स्ट में आपको कलर इसका दोस्तों रेड भी कर देना, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आपको एक दो शायरियों में एक दो टेक्स्ट में रेड कलर आपको कर देना, ठीक है। जैसे इस हिसाब से आपको कर देना, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ दोस्तों, तो इस तरह आपको एक दो शायरियों में दोस्तों रेड कलर भी कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों हमने रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब इसको बीच में कर लेना इस तरह से, और एक पीएनजी होती है उसको ले आना है, जो फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर जाने के बाद। चलिए मैं उसको ले आता हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये पीएनजी मैं ले आया, यहाँ पर इस पीएनजी को एडजस्ट कर देना इसको बीच में, और एक इसकी लेयर को कॉपी कर लेना इस पीएनजी को। कॉपी करने के बाद इसको भी दूसरी कॉपी की, इसको भी इसके नीचे जस्ट एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस हिसाब से आपको कर देना, नीचे वाले का कलर आपको दोस्तों रेड कर देना है, ठीक है। चलिए मैं रेड कलर इसका कर देता हूँ नीचे वाली लेयर का, तो नीचे वाले का हम रेड कलर कर देते हैं लेयर का। तो रेड कलर हमने कर दिया। अब हमें क्या करना दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेव कर लेना है ट्रांसपेरेंट वाले पर। अब इसको सेव कर लेना इस इमेज को, इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इमेज सेव, ठीक है। अब ये सेव हो जाएगी। अब हमें पहली स्टेप दोस्तों कम्प्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपना पिक्सल ऐप ऐप को ओपन कर ले, अपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप वहाँ से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, पहली ख़त्म हो चुकी है। चलिए अपने काइन मास्टर ऐप को हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो अपना काइन मास्टर ऐप ओपन हो चुका है, आपको क्रिएट नाउ पर, न्यू पर, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। चलिए इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको साइज लेनी है 3x4 वाले, ठीक है। ये वाले साइज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर हम शायरी बना रहे हैं। तो मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है, उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने उस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, फोटो के लेयर पर क्लिक आपको कर देना है और इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, अब इसको जूम कर लेना है और इसको एडजस्ट यहाँ से इस हिसाब से कर लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इसको लॉक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने बाद लॉक हो चुके दोस्तों, इस लेयर को थोड़ा लंबा कर लेना है, इस लेयर को थोड़ा लंबा कर लेना, ठीक है। फिर हमें दोस्तों क्या करना है, अब हमें आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ से ले लेना, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा कर लेना, ठीक है। लंबा करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग वाला, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको इसको इनेबल कर देना, ठीक है। इसको इनेबल हम कर देते हैं। फिर आपको इस वाले फेदर वाले ऑप्शन को पूरा यहाँ से खींच देना, ठीक है। अब इस पर ओके कर देना, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, अब इसका जो शैडोन अपना शैडोन पीएनजी जो रेडी हो चुका दोस्तों, ठीक है। इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब इसकी लेयर इसको डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। ये दो लेयर बन चुकी हैं, ठीक है। दूसरी लेयर को इस तरह से वन साइड में एडजस्ट कर देना, ठीक है। इस हिसाब से आपको कर देना, ठीक है। और लेयर को लंबा खींच लेना इस तरह से, अपने ऊपर वाले लेयर को
बराबर इसको कर देना, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब दोबारा हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो हमने पिक्सल लैब में सेव किया था इमेज को, शायरी वाले को, उसको यहाँ पर ले आना है। चलिए ये वो शायरी दोस्तों, ठीक है। तो इस शायरी को यहाँ पर ले आना, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से इसको एडजस्ट यहाँ पर कर देना, ठीक है, और ओके कर देना। इस लेयर को लंबा यहाँ से खींच लेना है, ठीक है। फिर हमें दोस्तों क्या करना है, अब जो ड्रॉपिंग वाली बूंदों वाली वीडियो होती है, चलिए मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और मीडिया पर जाना है और अपने उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए उस वीडियो को मैं ले आया, अब वीडियो को लंबा यहाँ से खींच लेना, ठीक है। लंबा खींचने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ, ब्लेंडिंग वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे स्क्रीन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों आपको अपनी जो वीडियो है रेडी हो चुकी है, आपको यहाँ से म्यूजिक वाले ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना है और अपना जो भी गाना लगाना चाहते हैं शायरी पर, तो वो गाना यहाँ से लगा देना, ठीक है। यहाँ फोल्डर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से जहाँ पर अपना ऑडियो रखा है तो ले आना, ठीक है। अब यहाँ से चला के दिखा देता हूँ आपको इस शायरी को दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी शायरी बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब म्यूजिक आपको ऐड कर देना, ठीक है। अब अपनी शायरी को दोस्तों सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ में, आप जो भी क्वालिटी में इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जो जो PNG वगैरह मैंने यूज़ किए सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।